लोकप्रियता बहुत बड़ी कीमत भी वसूलती है। मनुष्य स्वभावतः एक उन्मुक्त प्राणी रहा है, वो खुलकर सबसे मिलना जुलना चाहता है हर तरफ से, लेकिन वो ये भी चाहता है कि लोग उसे पहचाने। फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर हो या और कोई, सबको पॉपुलैरिटी अच्छी लगती है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसकी इज्जत करें, लोग उसके उसको अहमियत दें, लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है जिसके बाद ये पॉपुलैरिटी एक जेल सी बन जाती है। अमिताभ बच्चन हो या सचिन तेंदुलकर हो या और भी कोई, लेकिन सब के सब नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं। जब चाहें तब जाकर बाहर फिल्म देखने जाएं, बीच पर जाएं या कहीं पर भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर ऐसी ही इन्हीं एक्सक्लूसिव और पर्दे के पीछे की खबरों को लेकर मैं आया हूं, जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लोकप्रियता की किसने, किस स्टार ने कितनी कीमत चुकाई। जिस तरह हर समस्या का तोड़ होता है, बस उसे आजमाने वाला चाहिए। हमारी फिल्म स्टार्स हो या क्रिकेटर हो, कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे डेयरडेविल जो इन सब से स्थितियों को मात देते हैं। आइए मैं आज आपको सारे इन कलाकारों के बारे में बताऊंगा और उनकी उन कला के बारे में भी बताऊंगा कि वे कैसे इन स्थितियों को मात देकर नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे ही डेयरडेविल एक्टर हैं सलमान खान। जी हाँ, वे गेटअप और मेकअप में फिल्मों के लिए जितना खर्च करते हैं, जितना नया नया स्वांग धरते हैं, उतना ही खर्चा उसी तरह का स्वांग वे नॉर्मल जीवन में भी कैसे जीते हैं आपके और हमारे बीच में आने के लिए। जी हाँ, सलमान अक्सर आपको फिल्म थिएटरों में या कहीं बाहर वर्जिश करते हुए या कभी बीच पर दिख जाते हैं, लेकिन आप और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। एक मुलाकात में मुझे सलमान खान ने बताया था कि वे फिल्में केवल देखने लिए नहीं जाते, बल्कि वे वहां के दर्शकों का टेस्ट, उनकी बदलती पसंद और म्यूजिक और जज्बाती सीन्स पर उनकी रिएक्शन को नोट करते हैं। जिस तरह पब्लिक की नब्ज को टटोलते हैं, वो एक बहुत नायाब प्रयोग है। सलमान खान ने स्वीकार भी किया कि वे जो ये दर्शकों की फीडबैक मिलती है, जिस तरह उनकी एंट्री पर तालियां बजती हैं, जिस तरह उनके हीरो विलन को मारता है तो किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, या उनके गानों पर कैसे लोग उठकर खड़े होकर नाचते हैं, पैसे फेंकते हैं, उन चीजों को वो बहुत बारीकी से नोट करते हैं। सलमान ये जो फीडबैक है, इसको अपनी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और एक्टिंग में लागू करते हैं। वे साफ कहते हैं कि हम, मेरे लिए तो ऑडियंस ही सब कुछ है, वे जो चाहते हैं हम केवल वही पेश करते हैं। जब उनसे पूछा विशेष रूप से कि कौन सा गेटअप या स्वांग जिसमें वे कभी पहचाने नहीं गए और लोगों के बीच आसानी से जाकर बैठते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, स्पष्ट कहा, क्या अब ये भी आपको मैं बता दूं तो वो जो थोड़ा बहुत जो बचता हूं वो भी नहीं बच पाऊं। सलमान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो दर्शकों के टेस्ट के मुताबिक चलेगा वही टिकेगा। अपनी लेटेस्ट फिल्म अंतिम के संबंध में उन्होंने ये बात कही कि अब वे बहुत जल्दी फिल्म भी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। अब तक तो वे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, प्रोड्यूसर की भूमिका में आते रहे हैं, लेकिन अब वे पर्दे के पीछे लोगों को डायरेक्ट करते हुए भी नजर आएंगे। वहां पर वे अपनी जो ये फीडबैक्स हैं, अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको वो लागू करना चाहते हैं। मराठी फिल्म बहुत सफल रही थी जिसका नाम था मुंशी पैटर्न, उस पर आधारित है ये फिल्म अंतिम, और इसमें एक बार वे पुनः अपने पसंदीदा पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं। सलमान खान को ये रोल काफी सफलताएं दिलाता रहा है, दबंग रही हो या हर उनकी ऐसी सारी फिल्में जिनमें वे पुलिस ऑफिसर या डिटेक्टिव ऑफिसर बने हैं काफी सफल रही। तो वे इस फिल्म में भी, मूलतः मुंशी पैटर्न में जो पुलिस ऑफिसर की भूमिका थी बहुत छोटी थी, लेकिन इन्होंने अपने रोल को और उसको केंद्र में ये दिखाते हुए कि कैसे लोगों तक ज्यादा पहुंचा जा सकता है, उन्होंने स्क्रीन प्ले, स्टोरी में बदलाव किए, जो कि फिल्मों में अक्सर होता रहता है
और उसके मुताबिक अब वे नए रोल में लोगों के सामने आ रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मजे हुए एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने, और इसमें उनके साथ हैं आयुष शर्मा। जी हाँ, सलमान की छोटी बहन जो अर्पिता है, अर्पिता के हस्बैंड हैं आयुष शर्मा, और वे इस फिल्म में सलमान को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इस तरह गेटअप बदल कर लोगों के बीच जाकर थिएटर में बैठकर फिल्में देखने का काम केवल सलमान ही नहीं करते, और भी कई एक्टर करते हैं। लेकिन मैं आज जो आपको जिक्र करने जा रहा हूं वो इन सब से हटकर है। अक्षय कुमार बहुत अच्छे मोटर राइडर हैं, आपको तो ये पता ही होगा, लेकिन ये आप शायद ही जानते होंगे कि वे अक्सर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए बाइक से जाते हैं। ये पूछने पर अक्षय ने खुद बताया कि किस तरह उन्होंने बड़ा गॉगल्स एकदम डार्क बनाया हुआ है, और इसके बाद उनका हेलमेट पूरी तरह पैक रहता है, और इसके सहारे वे आराम से कहीं भी जहां भी जिस स्टूडियो में शूटिंग होती है वहां खुद अपनी बाइक से ही जाते हैं। जब मैंने उनसे एक बार ये पूछा कि आपको क्या पहचाने जाने का डर नहीं लगता है कि अगर ट्रैफिक में आप पहचान लिए गए, तो उन्होंने जो बात बताई और एक जितनी बारीक महीन रूल बताया जो कि शायद मुझे भी नहीं पता। अक्षय ने बताया कि वे अक्सर इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की कोशिश नहीं करते। वे क्या करते हैं कि वे अगर स्ट्रेट रोड से आ रहे हैं और सामने सिग्नल रेड मिला तो फट से ही लेफ्ट हो जाते हैं, और लेफ्ट में आगे जाकर यू टर्न लेकर फिर जब आगे आते हैं मेन रोड पर तो वहां लेफ्ट खुला ही मिलता है। ये रूल है कि रेड के बाद लेफ्ट खुलता है, तो वो तुरंत लेफ्ट जाते हैं, यू टर्न लेके आते हैं और फिर वही रास्ते पर उनके अपने वही मेन रूट पे ओरिजिनल रूट पे आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से वे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना और लोगों के पहचाने जाने से भी बच जाते हैं। ये रही आज फिल्म स्टार और क्रिकेटरों को द्वारा स्वांग धरे जाने की खबर। आपको अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगली बार फिर एक नया वाक्या लेकर आपके सामने आऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद।